आज ये बारी रो रही है, ठीक है, बारी को निशान लग रहा है। मम्मी और पापा बता रहे कि हमारी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई थी। देख रहे हो खुशी समझे समझन से मिलने की। ये एक ऐसी रस्म होती है जिस दिन पहले समधिड़ी और समधिड़ी मिलते हैं, तो ये वाली रस्म करनी जरूरी होती है। मैं इसीलिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज, क्योंकि ममता जो है वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि ये इसको बहुत निशास लग चुका है, ये सिंगाड़ी सिंगार निकल रहा है। ये देखिए। तो दोस्तों, अब सभी मेहमान जो हैं वो चले गए हैं, तो हम लोगों के भी जाने का टाइम अब हो गया है, तो हम लोग भी अब निकलते हैं। और ममता यहाँ पे देखो बेचारी रो के बुरा हाल है बेचारी का, बेचारी को आज बहुत निशास लग गया है। अरे निशास दोस्तों, जाना तो बड़ा मुश्किल लगता है गांव से, जब जाते हैं तो बड़ा ही दिल भावुक हो जाता है। अम्मा का निशास लगता हुआ ममता को। यानी बाय बेटा, बाय बाय कह दो। तो दोस्तों चलते हैं, तो बाय कह दो आप सब लोग। बाय बाय कह दो भाभी। बाय। ओके भाई। हाँ चलो, एक बार साड़ी तो दिखा दे फिर अपनी कैसी लग रही है। तो देखिए बेचारी रो रही है, लेकिन साड़ी तो एक लस्की दिखा दो, फिर बोलती साड़ी नहीं दिखाई मेरी। दिखा साड़ी, दिखा अब बस। तो देखिए पहाड़ी माँ, साड़ी दिखा दे अपनी, दिखा दो। डायलॉग नहीं बोलोगे ताई भी इमोशनल हो गया, ताई इमोशनल हो गया, ताई प्याला। तो हमारी ताई भी बहुत इमोशनल हो चुकी है, और माहौल ऐसे ही इमोशनल हो जाता है बहुत जब सब जाते हैं। तो आज बारी रो रही है, बारी का आज ठीक है, बारी को निशान लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। बाय ताई, बाय बाय। चलो तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं ममता के मायके की तरफ। तो अब देखो थोड़ा आंसू कम हुए हैं बेचारी के, मायके की बात के रास्ते में निकल चुके हैं। ममता को बहुत निशास लग रहा था, अभी भी लग रहा है, अभी ठीक है लग रहा है। ऑल जय हो बॉलीवुड, जय हो। यहाँ पे ये जो जंगल दिख रहा है आपको, बलिहू के मंदिर के थोड़ा जस्ट आगे ही हम निकले हुए हैं, और मम्मी और पापा की लव स्टोरी भी सुनने की मिलती है। मम्मी और पापा बता रहे हैं कि हमारी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो पापा आगे बताओ आप। चिट्ठी है जिसको पापा मम्मी के साथ साथ जाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, ठीक है, बात करते थे, हमारे ए सी सेटिंग हो गई। और जगह होती है सबके सैनिक, ये देखो मम्मी लोग भी ऐसे ही जाया करते थे, और पापा लोग यहाँ से स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पिटाई होती थी, मम्मी बोलती थी तब भी हम घास को चले जाएंगे। पहले तो गांव वाले बोलते थे मम्मी पापा लोग आप घर का काम करो, तुमको अपना नाम लिखना आ गया, बस घर का काम सीखो, अगर शादी करनी है थोड़ी दिन में। और हम भी खुश हो जाते थे स्कूल नहीं जाएंगे तो मास्टर के हाथ से मार नहीं खाएंगे। लव स्पॉट है वो मम्मी पापा का यहीं पे है, ये जंगल में यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ना मम्मी। देखो मम्मी कैसे शर्मा रही है, मैं।
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। शादी के दिन नहीं देखा, आवाज है शादी के दिन नहीं देखा पापा ने मेरे को। आगे कहाँ देखा? कोर्ट के मंदिर में आए थे पापा मिलने, पापा नहीं आए थे, मम्मी आई थी, पापा घर से नहीं आए, मम्मी जैसे आ गई भी हमारी। बैसाख के महीने 5 गति को हमारी शादी थी, 1 गति या 2 गति को वो था कोर्ट का मेला। यार मैंने बोला पतिदेव तो घर आए हैं, क्या पता मेला देखने आएंगे। मेरी सहेलियां सारे बोले यार जलेबी खाएंगे, जीजाजी आएंगे। पहले के लोग तो ज्यादा वही पसंद करते थे जलेबी को। बोले दीदी यार तुम्हारे साथ ही आते हैं हम, जीजाजी आएंगे ना, हम जलेबी खाएंगे। एक गाड़ी तो आती थी सुबह से जगहरा से, वो निकल गई वहाँ, जीजाजी सोया ही रहे। बाद में मैंने बुलाया, क्या पता जीजा भी देख रहे होंगे कहीं। वो हमारे गांव की एक औरत आई, उसने बोला यार वो तो आए नहीं रे, वहाँ सभी आ गए, हम तो आप तो गाड़ी भी छोड़ गई। बाद में ये उठे होंगे, बोला गाड़ी सारे चले गए, आप कहाँ से जाना पैदल, भी घर में रह गए। पापा लगता शर्मा गए थे तब, आए थे ना। पापा को लगा आज मेरी जेब ढीली होने वाली है, इसलिए पापा तो पापा ने बोला 100 रुपया खर्च हो जाएंगे जलेबी खिलाने में। पापा तो मैं सोया ही रहता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है ना, जलेबी हमको 12 दिन हो गए घर में, 12-13 दिन निकल गए बच्चा। हम रात को बैठते थे, मेरे को सब लोग चढ़ाते थे बहू बहू करके, मेरे को बहुत अच्छा लगता। मैं वो चीजें बहुत मिस करने वाली हूँ बहुत ज्यादा। तू रोटी लाओ बहू, एक छोटा सा बच्चा भी जो मेरे सबसे छोटे देवर थे, वो भी मेरे को बहू बोलने लगे, सबकी बहू बन गई थी वो, मतलब 7 साल का बच्चा था। और अभी हम दीदी के वहाँ जा रहे हैं, वैसे मेरा मायका बागेश्वर वाली रोड पर पड़ता है, ये गरुड़ वाली रोड है। अभी हम पहले दीदी के वहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने घर। गरुड़ मार्केट में पहुँच चुके हैं और अभी हमें मिठाई वगैरह खरीदनी है, तो आइए चलते हैं गरुड़। इसी साथ हमने मिठाई ले ली है और इसी साथ हम अपना सफर कंटिन्यू करेंगे और मैं अपने बाइक जाऊँगी कहने पर। तो दोस्तों हम दीदी के रूम में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आज दीदी को लौटना है। ये देखो दोस्तों कितना मस्त व्यू आ रहा है, वाओ। आज संदी को मिलने, हाँ कितने एक्साइटेड है देखो। मम्मी दिखाओ तो चेहरे की खुशी देख रहे हो आप लोग, चेहरे की रौनक। यार आप पहला पहला बेटे की शादी कर की है, पहला समझी समझनी हो रहे हैं, हाँ। है ना, समझूर जा रहे हैं, खुशी तो होगी होगी देखा। यही है ना, यहाँ को आना। तो आप चलते हैं अपने मायके, बहुत वेट कर लिया है मैंने। बाय। अपने संदूर जा रहे हैं यार, खुशी हो रही है बहुत है। तो अभी जैसे जैसे मैं मायके के और ज्यादा करीब आ जा रही हूँ अपने घर के, तो मेरे थोड़ा सा एनर्जी आती जा रही है ना। तो फाइनली मैं अपने रोड पे जा रही हूँ, अपने घर वाले रोड पे। ये बागेश्वर होते हुए जाती है रोड, तो फिर अभी थोड़ी देर में 15 मिनट बाद मेरा घर भी आ जाएगा।
चल निकाल सामान लो फटाफट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, पापा आ चुके हैं बैग लेके। बुलाना है तीन समझे लगे कि हम हो गए। अच्छा भारत में लाभ चल रहा है देख लीजिए इस तरीके से। पहले नहीं बोलते कब बोले, कब बोलेंगे फिर तो दोस्तों आप मम्मी और मम्मी करेंगे तब तक बोलना मत, हाँ एक दूसरे देखना भी मत एक दूसरे समझिन भेंट करेंगे। ये एक ऐसी रस्म होती है जिस दिन पहले समझिनी और समझिनी मिलते हैं तो ये वाली रस्म करनी जरूरी होती है। जय हो। तो दोस्तों हमारे कुमाऊनियों में शायद और जगह भी होती होगी रिवाज, हमें ये नहीं पता लेकिन हमारे यहाँ तो यही रिवाज होती है। आज पहली बार मिल रही ना मम्मी और दोनों मम्मी हमारे तो इसलिए ये जरूरी होता है। ये देखिए ये समधिनी और समधी के लिए लग चुकी है थाली। क्या क्या बनाया आज पापा के खास फरमाइश पे भटके डुबके बनाए हुए हैं आज समधिनी ने, कैसे लगे पापा? बहुत मम्मी आप बताओ? भटका डुबका हाँ ठीक है, मजा आ रहा है। दूसरा रायता बटेरी की सब्जी बटर पनीर बहुत स्वादिष्ट और पुलाव तो आपने खाए नहीं अभी। अच्छा जवाई जी को भी पूछ लो। बटर टुकड़े तो नहीं खाए लेकिन आप पनीर खा रहा हूँ, लेकिन पनीर में तो स्वाद ही अलग है, मजा आया। और मेरे पापा क्या खा रहे हैं? पापा क्या खा रहे हो? ओले गरीबों वाला थाली लगा दी आपके लिए, गरीबों वाली थाली। मेरे पापा थोड़ा शुगर वाले पेशेंट है ना तो उनको ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है जो बनाई हुई है, ना गजरी की सब्जी ना भटके डुबके ठंडा होता है। और पनीर की सब्जी उनके लिए अलग बनाई थी, उसमें नमक वगैरह कम है, रायते में नमक ठीक है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है हमारा और मम्मी लोग देखने लग गए हैं एल्बम और टाइम भी हो चुका है। मौसम देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सब बैठे हैं, मम्मी पापा देख रहे हैं हमारे शादी के एल्बम। तो दोस्तों अभी दूसरी बार समधिनी में भेंट हो रही है मम्मी और पापा के साथ, मम्मी की मम्मी अब दोबारा जाने का टीका वगैरह लगा रहे हैं। मम्मी लोग नहीं रह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है ना, तो फिर पापा की छुट्टियाँ भी नहीं है कम ही है, तो फिर मम्मी और पापा जाएंगे अभी गरुड़ दीदी के यहाँ पे और हम लोग रहेंगे यहाँ पे। लाइट गई है यार देखो यहाँ पे लाइट बहुत जाती ना इसलिए ये लाइट ऑन कर रखा मैंने। हाँ?
ओके बाय सी यू बलालू बाय ओके चलो ठीक है बाय।